प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में टीचटी पीएचडी यानी राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई। यह वैकेंसी आपको जीआईसी और जीजीआईसी करके दिया गया है। आपने उसे देख भी लिया होगा, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां भी आप प्राप्त कर चुके होंगे। इसमें जो चीजें हम बताने आपको जा रहे हैं, काम की चीजें ये हैं कि इसमें शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे, यानी बीएड नेसेसरी है कि नहीं नेसेसरी, और नेसेसरी है तो किस सब्जेक्ट वालों को बीएड की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आयु सीमा आप जानते हैं लेकिन कब से गणना होगी, इस पर चर्चा करेंगे। फीस की चर्चा करेंगे, ठीक है। सिलेबस का जो मेन मुद्दा यहाँ पे जिस वीडियो को लाने का, वो मेन मुद्दा है आपके सिलेबस का, प्री और मेंस के सिलेबस और इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसकी रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा करना मेन मुद्दा यही है। प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप और उसके बाद मुख्य परीक्षा के प्रारूप के बाद चर्चा करेंगे, एक एक चीजों पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको चैनल पर बहुत सारी चीजें काम की दी जाती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो यूपीटेट का प्रैक्टिस पेपर हो, पीजीटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस पेपर हो, यूपीटीएससी की कुछ क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो सब कुछ आपके लिए फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हर एक चीज पढ़ने समझने जानने की आपके अंदर एक तत्परता रहनी चाहिए, जिसे आप सबसे ज्यादा सबसे बेहतर जानने के इच्छुक हों। बात यहां पर करें राजकीय इंटर कॉलेज की, जो भर्ती निकली, यह भर्ती हर साल लगभग आती है, नियर अबाउट गैप होता थोड़ा बहुत, लेकिन हर साल लगभग आती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो अपने आप को सबसे क्रीम समझता है, जो सबसे अच्छा होता, आयोग उन्हीं को चयन करता है। यानी अगर आपको इसमें प्रवक्ता बनना है तो आपको अपने सब्जेक्ट में ना सिर्फ पीजी होना है बल्कि अपने सब्जेक्ट का आपको परफेक्ट मास्टर भी होना है, ताकि आप आसानी से इसमें जॉब पा सके। बात करते हैं यहाँ पे योग्यता की, तो कुछ पदों के लिए योग्यता के बारे में चर्चा की गई, जैसे कि यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप बनना चाहते हैं उसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे इसी वीडियो के अंत तक। आगे अगर बढ़ जाए शैक्षिक अर्हता का, आयु सीमा जो है आपकी ये 21 से 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आयु सीमा कब से गणना की जाएगी। फीस आप जानते हैं कि यूपीपीएससी अपनी फीस नॉर्मल रखता है, तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल के लिए, ईवीएस के लिए और ओबीसी के लिए आपकी 105 रुपए फीस है, प्लस 25-20 रुपए और कोई फीस है करके आपको टोटल कितने देने हैं, तो 125 रुपए और फॉर्म भरने होने का 200 रुपए नियर अबाउट आपके फॉर्म भरने का लगेगा। यहाँ पे एससी एसटी के लिए 65 रुपीज है और पीएच के लिए यानी फिच के लिए, हैंडीकैप्ट के लिए 25 रुपए रखी गई है। जो आप बेसिक चीजें हैं आप जानते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं। बात करें यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप, जैसा कि आप वहां पे देख पा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप आपको जो पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें दो चीजें दी गई हैं। एक है बहुविकल्पी टाइप का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन पे आपको एक मिनट मिलने वाला है। तो 120 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, आप जानते हैं 120 मिनट आपको मिलने हैं। इसमें से 40 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, यह आपका जीके जीएस प्लस रीजनिंग प्लस मैथ का रिलेटेड होता है, ये सबके लिए कॉमन पेपर है। ये कौन है, कॉमन है। बट यहाँ पे जो 80 नंबर है आपका, ये 80 नंबर जो आप देख पा रहे हैं, ये 80 नंबर आपका किससे है, आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से पेपर देना चाहते हैं जिसमें आप पीजी किए हैं, उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा 80 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन आपसे कहां से पूछे जाते हैं, जीके जीएस और रीजनिंग मैथ से पूछे जाते हैं, जो सबके लिए कॉमन होते हैं, चाहे वो हिंदी का अभ्यर्थी हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री संस्कृत उर्दू किसी का अभ्यर्थी हो, ये 40 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है। जबकि ये 80 क्वेश्चन, ये दोनों पूरा पेपर आपका 120 नंबर का मिलेगा, जिसमें पूरा सेगमेंट ए आपका 2 हिस्सों में बटा होगा, सेगमेंट ए सेगमेंट बी करके। बात क्लियर है। इसके सिलेबस के बारे में हम आपको चर्चा करने वाले, बस 2 मिनट का आप ध्यान रखिए बस। उसके बाद मुख्य परीक्षा का प्रारूप देख लें। जब आप प्री परीक्षा पास हो जाते हैं तो फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप मुख्य परीक्षा अप्लाई करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं, और मुख्य परीक्षा में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पे इस तरह से आपसे गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा, 2 पेपर होंगे, एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा, ठीक, और उसमें निबंध भी रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक के लिए होगा। जबकि द्वितीय पेपर जो आपका होगा वो आपके विषय से होगा, ठीक है, इसके लिए 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। शुभ बात यह है कि पेपर जो है वो लिखित है,
जी हाँ, आप सभी समझे हैं, ये पेपर लिखित हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात करें अगर इंटरव्यू की, तो इस बार राजकीय इंटर कॉलेज से इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया, आपसे कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप अपने विषय में पारंगत हैं और हिंदी की थोड़ी सी समझ और ज्ञान रखते हैं, तो अच्छी तरह से आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं और आपको जॉब मिल जाएगी। अब एक एक चीजों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। आगे एक आध मुद्दे पे और जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं एक एक मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसे सॉल्व कराया जा रहा है, आगे की भी रणनीति तैयार की जाएगी, कुछ क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से वो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है, आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। बात करें अगर यहाँ पे देखिए, तो एक सेकेंड आप हमको टाइम देंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम इंटर करते हैं और सिलेबस की बात करते हैं, बस तुरंत हम सिलेबस पे ही चर्चा करने वाले हैं और कई सिलेबस के बारे में बताएंगे, बस आप यहाँ पे बने रहें। पोस्ट वाइज आप अगर देखेंगे तो आपको लिस्ट है, एक पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, नीचे एक नंबर दिया गया होगा 800 डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पे आप अगर हमको व्हाट्सएप करते हैं तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। खास करके बायोलॉजी स्टूडेंट के जो अभ्यर्थी हैं बायो के, उनको हम सिलेबस का पीडीएफ बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। आज आप अगर एक्सप्रेस कर देते हैं तो कल यानी सैटरडे तक आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। फ्राइडे सैटरडे में आपको पूरा पीडीएफ आ जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चूंकि आपको यहाँ साइट पे हिंदी में पेपर दिया गया है तो उसका इंग्लिश में भी हम आपको इंग्लिश वर्जन भी आपको दे देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत जल्दी हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इस नंबर को व्हाट्सएप कर दीजिए, आप निश्चिंत रहे, आपका नंबर सिक्योर रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन होने वाली नहीं है, चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो। नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, तो आगे चर्चा करें, अगर बायोलॉजी की सिर्फ बात की है, बायोलॉजी के सिलेबस की, बाकी सिलेबस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा बस। हाँ, यहां पर अगर हम बात कर ले पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में चले जाएंगे जो जीएस का आपका 40 नंबर का, मैंने आपसे बताया कि प्री पेपर जो होगा, प्री पेपर में आपको 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जी हाँ, और जो आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जीके जीएस रीजनिंग इत्यादि से पूछे जाएंगे। तो इस 40 क्वेश्चन का जो सिलेबस होगा वो सिलेबस आपको यहाँ पे है। वो सिलेबस क्या है? वह सिलेबस आपका ये है कि वो सिलेबस आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है। सिलेबस क्या है? सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे। कहाँ से आएंगे? सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे, और प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपी पीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, यूपी पीएससी में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो पीसीएस में पूछा गया, चाहे लोअर में पूछा गया, चाहे आरओआर में पूछा गया, चाहे और किसी में पूछा गया हो, जीजीआईसी में पूछा गया हो, इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस पेपर हम आपको करा रहे हैं, जो कि आपको फ्री है, आप आराम से चैनल पे से ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं। दूसरी बात कर रहे हैं, अगर सामान्य विज्ञान के बाद जो सिलेबस में दिया गया उसमें है आपके भारत का इतिहास, यह श्रृंखला आपकी लगातार क्वेश्चन आंसर की आगे चलती रहेगी, भारत का इतिहास है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, आगे बढ़ जाएंगे तो आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन है, और क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर आप देखिए, मैं आपसे बताऊं टोटल सिलेबस अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पढ़ सुना दे रहा हूं। पहले भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। आगे बढ़ जाएंगे, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक संबंध और विशिष्ट जानकारियां। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सामान्य हिंदी आठवीं स्तर तक की, सामान्य गणित आपकी आठवीं स्तर तक की पूछी जाएगी, जिसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित शामिल है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण है। टोटल आपके 11 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 11 टॉपिक हैं। और आपसे पूछा कितना जाएगा? 40 नंबर। आप अगर इतना तो कॉमन मैच लगा लेंगे कि अगर आप 11 करते हैं तो 11 या 33, नॉर्मल एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी टॉपिक आपके हैं, चाहे वो हिस्ट्री को हो, ज्योग्राफी को, आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे वो आपके साइंस हो, चाहे आपका ये क्या कहते हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष हो, इन सभी का प्रैक्टिस पेपर हम आपको डेली बेस पर कराते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन कराते हैं आपको फ्री में, ये सारी चीजें अवेलेबल है, आप चैनल पे जाकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस सिलेबस को लिखने का कोई बहुत मतलब नहीं है, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। बात करते हैं प्री पेपर साल
जो प्री पेपर के जीएस का पेपर है वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। अब यहां पे बात आती है, देखिए ये तो आपके प्री में 40 क्वेश्चन की चर्चा होगी, कितने की 40 पे चर्चा हम लोग कर चुके। क्या आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, अर्थव्यवस्था आएगी, राज्य व्यवस्था आएगा, ठीक है, उसमें आपका क्या आएगा तो गणित आएगी, रीजनिंग आएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष आएगा, ये सारी चीजें कहां पे आएंगी इस 40 क्वेश्चन में। बचा 80 क्वेश्चन, इस 80 क्वेश्चन का पेपर कहां से आएगा, तो जो आपका मेंस का सिलेबस है, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, जो आपके मेंस का सिलेबस है इसी मेंस के सिलेबस का आपको बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपसे पूछा जाएगा, वह एमसीक्यू कहां से पूछा जाएगा, प्री में पूछा जाएगा, और जो इसका रिटेन एग्जाम होगा वह कहां होगा, मेंस में होगा। यानी जो आपके प्री का मेंस के सब्जेक्ट का पेपर है वही आपसे प्री में भी पूछा जाएगा और वही मेंस में भी पूछा जाएगा। बस अंतर इतना है कि प्री में आपको एमसीक्यू मिलेंगे और जैसे ही आप मेंस में जाएंगे वहां पर आपको रिटेन एग्जाम देना होता है, ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें, समझ लें, आगे चले अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। आप चले आगे बात करते हैं मेंस की, इस पर चर्चा करते हैं, मेंस एग्जाम की चर्चा करते हैं। और जैसे ही मेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो मेंस में हमको मिलता क्या है, मेंस में हमको दो खंड मिलेंगे। पहले तो हमें हिंदी पे, जैसा कि मैंने बताया, दो घंटे के लिए आपको हिंदी का एक पेपर दिया जाएगा और द्वितीय पेपर होगा वैकल्पिक विषय आपका, जो इससे आपको लिखना होगा, ठीक है, दोनों पेपर लिखने होंगे। हिंदी के दो खंड होंगे, एक खंड में आपका हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में दो खंड होंगे 50-50 नंबर के, 50 नंबर के ऊपर 50 नंबर के नीचे। इस 50 नंबर में आपका ग्रामर आएगा, पूरा ग्रामर आएगा, ठीक है, और इस 50 नंबर में आपसे एसे पूछे जाएंगे, क्या इसमें निबंध होगा और इसमें क्या होगा, ग्रामर होगा, इसमें सारे व्याकरण हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें सारा क्या हो जाएगा आपका निबंध हो जाएगा। निबंध भी आपके कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक से पूछे जाएंगे और व्याकरण में सारी चीजें इंक्लूड की गई आपके सिलेबस में। अगर मैं एक नजर डालूं तो इसमें आप स्पष्ट तरह से मेरी बात को गौर से सुनिए, सब कुछ सब आप समझ जाएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप पठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसके उपयुक्त शीर्षक बताने होते हैं। एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज में क्या पूछा जाएगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, रेखांकित अंश, उसमें कुछ रेखांकित अंश होंगे जिसमें व्याकरणिक त्रुटियां आपसे पूछी जाएंगी, उपयुक्त शीर्षक जो पैरा होगा उसमें कौन सा उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। उसी सेगमेंट में आपसे और क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, विलोम पूछे जाएंगे, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी भाषाएं, ठीक है, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, रूप रचना। यानी अगर सीधे सीधे मैं कह दूं पूरा जितना सिलेबस है उस पूरे सिलेबस पे चर्चा की गई है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, सारी चीजें आपकी इंक्लूड की गई हैं व्याकरण के सब्जेक्ट में, यानी 50 नंबर में। अगले 50 नंबर की अगर हम बात कर लें तो अगला 50 नंबर आपसे निबंध से पूछा जाएगा और निबंध आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो निबंध आपका आएगा उसे 1000 शब्दों में आपको लिखना होगा। कितने शब्दों में, 1000 शब्दों में अपने निबंध को लिखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि निबंध आपके चुनिंदा टॉपिक से दिए जाएंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि निबंध आपको एक टॉपिक दी जाएगी, उस टॉपिक से दिए जाएंगे जो टॉपिक यहाँ पे बताई गई। जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा की गई, 6 प्रकार की टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है साहित्य इतिहास से, कहां से पूछा जाएगा, साहित्य से और संस्कृत से, ठीक है। और दूसरी टॉपिक जो आपकी यहाँ पे है, दूसरी टॉपिक है राष्ट्रीय विकास योजनाओं से, राष्ट्रीय विकास योजना से, ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजना से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किससे पूछा जाएगा, समसामयिकी घटनाओं से पूछा जाएगा, विज्ञान और पर्यावरण से पूछा जाएगा, ठीक है, निबंध जिसपे लिखने के लिए आपको आएगा, निबंध विज्ञान और पर्यावरण पे आएगा, और इसपे प्राकृतिक आपदाएं पे आएगा, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण पे, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण पे प्रश्न आएगा। और सबसे ज्यादा प्रश्न आपको कहां से मिलेंगे, कृषि उद्योग और व्यापार से। यानी ये आपको चार जगह से आपको इससे लिखने के लिए आ सकता है जिसपे आपको निबंध लिखना होगा, और निबंध लिखने की जो लिमिट है वो कितनी है आपकी, 1000 शब्द दी गई है, तो इसमें से आपको निबंध लिखना होगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक मिनट हम आप पे नजर डालते हैं, यहाँ पे इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा, इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्दों की होगी, ठीक है, जो कहां कहां से पूछे जाएंगे, इन शब्दों से पूछे जाते
है, ठीक है। अब वैकल्पिक विषय की बात करते हैं, तो वैकल्पिक विषय में आपके जो प्रश्न होंगे उनका रणनीति क्या होगी, कैसे प्रारूप उसका सेट किया गया है, उसकी बात करते हैं। वैकल्पिक विषय की आपको कितने समय दिए जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। कितना समय दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाता है। उसमें आपके वैकल्पिक विषय में जो वैकल्पिक विषय आपका होगा, वैकल्पिक विषय में 3 सेगमेंट होंगे, सेगमेंट ए, बी और सी। कितने सेगमेंट होंगे, 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट जो होगा, जिसके अंतर्गत आपसे प्रश्नों की कुल संख्या टोटल तीनों सेगमेंट मिलाकर कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जिसमें पहले सेगमेंट में खंड आ में जो आपसे पूछा जाएगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेगमेंट ए में कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, जिसका नंबर कितना होगा, तो आप जानेंगे इनका प्रत्येक जो इनके आंसर लिखने की सीमा होगी 250 शब्दों में इनके आंसर लिखने होंगे, और ये है आपके 25 नंबर के लिए। सेगमेंट नंबर बी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, और कितने प्रश्न दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे, जिसमें से अगर यहाँ पे बात कर लें तो इसमें आपको लिखना होगा कितने अंक के लिए लिखना होगा, तो आप बताएंगे कितने अंक के लिए, आपको 150 शब्दों में अपने आंसर देने, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार से सेगमेंट नंबर सी में जाएंगे तो आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे मैक्सिमम 50 वर्ड में, और इसके लिए आपको जो अंक दिए जाएंगे 10 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो इसका नंबर हो जाता है 25 25 125 नंबर, ठीक। यहां पे बात कर लें तो हो जाएगा 5 15 25 75 नंबर, और यहां पे बात कर लें तो अगर तो ये हो जाएगा 50 नंबर, यानी 10 में 100 नंबर, कितने नंबर, 100 नंबर। तो इस पे अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका होगा 200 और 300, कितने नंबर हो जाएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। जी हाँ, कितने नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का आपका पेपर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पेपर का प्रारूप दिया जाएगा, जिसमें से आपको पेपर सॉल्व करना होगा मेंस में। इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू इस बार हटा दिया गया, तो इंटरव्यू आपका नहीं कराया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के अब अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, उसे हम आप तक प्रोवाइड करा देंगे। बुक की क्लासेस मतलब बेस्ट बुक, और उसमें प्रैक्टिस पेपर के लिए आप जरूर संपर्क करें, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और कोई जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स में आपको सारी जानकारियां दे दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।